फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ व्हीट बनाना पैनकेक। ना इसमें मैदा है, ना इसमें शुगर है, और झटपट से बनने वाला ब्रेकफास्ट आप सुबह आराम से बना सकते हैं। इसको बच्चे भी पसंद करेंगे, बड़े भी पसंद करेंगे, और इसमें बनानास भी हैं और व्हीट भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी जार, उसके अंदर हम दो पके हुए केले डालेंगे। पके हुए केले आप ऐसे ही तोड़ के इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद मैं दो अंडे डालूंगी। अगर आपको अंडे पसंद नहीं है तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। इसके लिए इसकी जगह कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं 1/4 कप बटर ऐड करूंगी। मेल्टेड बटर लिया है मैंने। बटर से हमारा जो पैनकेक है वो बहुत मॉइस्ट रहता है। इसके बाद हम 3 टेबलस्पून हनी डालेंगे। हनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करूँगी। इन सबको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। इसके बाद मैं एक ड्राई बॉल ले लूँगी, उसके अंदर मैं मेरा जो मिक्सचर है उसको मैं ऐड कर दूँगी। अब इसमें हम हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको ऐड करेंगे। मैंने 2 कप गेहूँ का आटा लिया है। मैंने इसको पहले से ही भी 2 बार छान के रखा है। इसके बाद इसमें हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, और इसको हम अच्छे से छान लेंगे। अच्छे से आप इसको छानिए ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं गिरे। इसको हम अच्छे से आप विस्क की हेल्प से इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं हमारा जो मिक्सचर है थोड़ा सा मिक्स हो गया मगर ये थिक है, तो हम इसमें 1 कप मिल्क ऐड कर लेंगे। 1 कप मिल्क ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स कर लीजिए। इससे थोड़ा थिक रहेगा, थिक है बैटर अभी भी। तब इसमें हम 1 कप मिल्क और ऐड करेंगे। आप मिल्क ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बैटर थिक है तो। मैंने टोटल 2 कप ऑफ मिल्क लिया है, और हमारा बैटर को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। आप इसको 10 से 15 मिनट्स हम अलग रख देंगे। तब तक हम हमारा जो तवा है उसको गर्म कर लेंगे। आफ्टर 10 से 15 मिनट्स हम हमारे तवे को गर्म कर लेंगे। मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर देंगे। अब हम इसमें हमारा जो पैनकेक का बैटर है उसको डाल देंगे। देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ बिल्कुल वैसे डालिए। देखिए हमारा बैटर कितना अच्छे से स्मूथ तरीके से बिल्कुल डल चुका है। आप देखिए हमारे जो पैनकेक है इसमें बबल्स आना शुरू हो गया है। बबल्स आना शुरू हो गया इसका मतलब हमारा जो पैनकेक है वो एक साइड से अच्छे से पक गया है। अब हम इसको पलट देंगे। देखिए हमारा पैनकेक कितना अच्छा कलर आ गया है इसको, गोल्डन ब्राउन। और ये थोड़ा सा फूल भी रहा है क्योंकि हमने इसको 10 से 15 मिनट्स छोड़ दिया था। ये थोड़ा सा फूलने भी लग गया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ऐसे ही हम हमारे सारे पैनकेक्स को बना लेंगे। इस पैनकेक में बनाना भी है और गेहूं के आटे से बनाया है, तो भी बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा बच्चों को कि इसमें बनाना से। कुछ बच्चे स्पेशली बनानास नहीं खाते हैं, उनके लिए। देखिए मैंने ऐसे सारे पैनकेक्स को बना लिया है। अब हमारे सारे पैनकेक रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें चॉकलेट सॉस ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं डालना। और इसमें थोड़ा सा चॉप बनानास डाले हैं और थोड़ा सा ऊपर से हनी इसमें ऐड कर दिया है। देखिए हमारा पैनकेक कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरा पैनकेक्स पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।